हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉलीवुड क्रेज। और आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे सलमान खान, कतरीना कैफ और इमरान हाशमी की मच अवेटेड अपकमिंग मूवी टाइगर 3 को लेकर। फ्रेंड, किसी भी मूवी की जब हमने परख करनी हो कि इस मूवी में कितना पोटेंशियल है, इसका डे वन अच्छा आएगा या नहीं, इसका डे वन 40 करोड़ 50 करोड़ से क्रॉस करेगा या नहीं, तो उसका एक बहुत अच्छा पैरामीटर है बुक माई शो का इंटरेस्ट रेट। अगर किसी मूवी का बुक माई शो इंटरेस्ट रेट उसकी रिलीज से 2-3 हफ्ते पहले अच्छा खासा भाग रहो, तो उसका सीधा मतलब होता है कि उसका डे वन बढ़िया लगने वाला है। फ्रेंड, टाइगर 3 की रिलीज में अभी रहते हैं ऑलमोस्ट 17 to 18 days और अभी से उसका बुक माई शो इंटरेस्ट रेट 200K क्रॉस कर चुका है। अब जब आप वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है ये बुक माई शो 202K हो जाए या 203K हो जाए, तो ये बहुत ही बढ़िया नंबर माना जा रहा है अभी से। अब जैसे जैसे टाइम रिलीज का और करीब आएगा, बुक माई शो और तेजी से भाग जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे इसका ट्रेलर आएगा और फिर इसका सॉन्ग आएगा, तो आपने देखा कहाँ पे इसका बुक माई शो 100K पे था और अब 200K पे आ गया विद इन जस्ट वीक। तो इसी तरह बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं टाइगर 3 से कि इसका डे वन बहुत ही बढ़िया लगने वाला है, क्योंकि कमाल की मार्केटिंग स्ट्रेटजी है YRF की, उसकी रिलीज डेट भी बहुत ही बढ़िया रखी है। तो फ्रेंड्स, अभी अगर टाइगर 3 का डे वन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रिडिक्ट किया जाए, हम बहुत ही सेफ खेलें, हद से ज़्यादा सेफ खेलें, तो भी इसका 55 करोड़ डे वन हिंदी लैंग्वेज में प्रिडिक्शन लगाई जा सकती है। क्योंकि हम सबको पता है संडे का दिन होगा 12 नवंबर का, उसके बाद दिवाली पीरियड है, तो हर तरफ आपको सल्लू भाई के फैंस सिनेमा जाते दिखाई देंगे। अगर इसका वर्ड ऑफ माउथ किसी तरह पॉजिटिव आ गया, तो आप देखेंगे ये जो 55 का अनुमान है हमारा, ये किस तरह 65 हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इसी तरह साउथ की लैंग्वेज से भी इसकी फर्स्ट डे पे 2 से 3 करोड़ की एक्सपेक्टेशन की जा रही है, यानी इंडिया नेट कलेक्शन टाइगर 3 का अभी डे वन का सेफ रख के 60 करोड़ प्रिडिक्ट किया जा रहा है। फ्रेंड, वर्ल्ड वाइड भी इसे बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। आपको पता है YRF डिस्ट्रीब्यूशन का माहिर है ओवरसीज में, यही कारण है कि जवान मूवी के मेकर्स ने अपनी ओवरसीज मार्केटिंग और ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन YRF के हवाले की थी, क्योंकि वो बढ़िया ये काम जानते हैं। तो जहाँ पे पठान और जवान की डे वन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 37 करोड़ और 50 करोड़ थी, वहीं पे क्योंकि अब टाइगर 3 संडे वाले दिन आ रहा है, तो उसे ओवरसीज में भी एडिशनल एडवांटेज हासिल होगा। तो फ्रेंड, अभी टाइगर 3 का वर्ल्ड वाइड डे वन 50 करोड़ से ज़्यादा प्रिडिक्ट किया जा रहा है, यानी टाइगर 3 का डे वन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अभी से 110 से लेके 115 करोड़ के बीच में किया जा रहा है। अब जैसे ही मूवी रिलीज टाइम करीब आएगा, एडवांस बुकिंग बढ़िया मिलेगी, जो कि अभी से रिस्पांस मिल रहा है, तो आप देखेंगे डे वन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 120 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर सकता है। तो फ्रेंड, क्या कहना आपका टाइगर 3 के बारे में, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।